तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देखा उस पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वाई सीरीज जो है वो ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल मानी जाती है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रिय ग्राहकों को आकर्षित करती है वो हमारे वाई सीरीज और वीवो जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ऑफलाइन मार्केट की तरफ ध्यान देकर वर्क करता है। तो यहाँ हम बात करने वाले Y72 5G जो बिल्कुल 5G वेरियंट के साथ लॉन्च हो चुका है इंडिया में, बिल्कुल नया फोन निकल कर आया और उसी का कंपेरिजन करने वाले हम Y73 से जो कि यहाँ पर इंडिया में पहले ही लॉन्च हो चुका था। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैंने यहाँ पर किया है, वो आप जगह आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों ही का प्राइस जो है वो 21,000 की कीमत में आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या-क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको खास चीज किस फोन में देखने को मिलती है वो जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या-क्या चीज मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जर की बात कर ले तो एक तरफ हमने रखा है Y72, इसका आपको चार्जर कैपेसिटी मिलने वाला है 18 वॉट के साथ और यहां पर जो रखा है हमने चार्जर वो है Vivo के Y73 का जो आपको यहां पर पावरफुल 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने वाला है। मतलब यहां पर मेन डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है, एक तरफ 18 वॉट 21,000 के प्राइस में देखने को मिलता है, एक तरफ यहां पर आपको जो प्राइस है 21,000 में 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और भी अंदर क्या क्या चीजें वो जानेंगे, फिर यहां पर लास्ट में डिटेल में बात करेंगे कौन सी चीज आपको यहां पर बेस्ट मिल रही है। दोनों ही फोन के अंदर आपको यहां पर जो है टाइप सी केबल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, साथ साथ सबसे बेस्ट चीज यहां पर 3.5mm जैक वाली जो चीज है आपको दोनों ही फोन में ईयरफोन वाली फैसिलिटी भी यहां पर देखने को मिल जाती है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दोनों ही फोन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो पहला पॉइंट मेजर पॉइंट है हमारा वो है यहाँ पर डिजाइन को लेकर, यहाँ पर आपको कौन सी बेटर क्वालिटी जो है रियर साइड पे देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं Y72 की, तो ये बिल्कुल नए पैटर्न के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पीछे जो है मैट फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, स्क्रैच के चांस काफी कम बनने वाले और कैमरा पैटर्न आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे Y73 की, तो यहाँ पर आपको नया सा इसमें लुक देखने को मिला था और इसका एक और जो कलर वेरियंट था वो और भी ज्यादा क्लासिक आपको बढ़िया प्रीमियम सा लुक पीछे की तरफ देता है। तो यहाँ पर दोनों ही फोन जो डिजाइन के मामले में काफी बेस्ट है, तो यहाँ पर ओवरऑल व्यू जो है डिजाइन में काफी अच्छा वर्क हमारे पहले से ही करता आ रहा है। चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं वो इसी चीज में आपको क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, तो Y72 5G के अंदर आपको देखने को मिलता है एक बढ़िया सा डिस्प्ले 6.5 फीट 8 इंच के साथ जो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालिटी IPS LCD पैनल के साथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर IPC LCD के अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ नॉच भी नजर आने वाला था, बेजल्स यहाँ पर काफ़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। बात करें अगर यहाँ पर Y73 की, तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रीमियम सा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, AMOLED रेजोल्यूशन दिया गया है लेकिन इसके साइज जो है वो इस फोन से कम है, 6.44 इंच का आपको देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ नहीं है, आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट Y73 में हमें देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी AMOLED की है उसकी वजह से अगर बात करें सिक्योरिटी ऑप्शंस की, तो फिंगरप्रिंट सेंसिंग की क्वालिटी आपको यहां पर मिलती है राइट साइड पावर की के ऊपर और AMOLED रेजोल्यूशन के हेल्प से Y73 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसिंग की क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी और दोनों ही फोन में फेस लॉक वाली फैसिलिटी आपको फर्स्ट फर्स्ट सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाने वाली है। उसी के बाद बात करें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट फीचर होता है फोन का, वो होता है कैमरा क्वालिटी। तो कैमरे के मामले में Y72 5G के अंदर आपको दो कैमरा देखने को मिलते हैं जिसमें कि प्राइमरी लेंस इन्होंने दिया आपको 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है। और उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हम Y73 की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई है। 64 का प्राइमरी लेंस है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो शटर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वाइड एंगल सेंसर की क्वालिटी जो है यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन Y73 में आपको मैक्रो शॉट 3 कैमराज के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। LED फ्लश जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पैटर्न जो है काफ़ी सिमिलर सा है, लेकिन इस फोन की क्वालिटी जो पीछे की तरफ दिखाई गई है वो आपको Vivo V20 और Vivo सीरीज की यहाँ पर याद दिलाने वाला। बात करें फ्रंट सेल्फी को लेकर, तो सेल्फी के मामले में यहाँ पर Y72 5G के अंदर यहाँ पर सारी चीजें कम हुई हैं, जिसे आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Y73 में मिल रहा है, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट डिस्प्ले में देखने को मिल जाए। तो रियर साइड पे भी आपको चेंजेस मिले, 64 का प्राइमरी लेंस दिया है लेकिन यहाँ पर आपको Y72 5G में सिर्फ 48 का प्राइमरी लेंस देखने को मिल रहा है। और भी कुछ चीजें हैं वो आपको यहाँ पर जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके जरूर से अपना प्यार और सपोर्ट टेक हाउस फैमिली को दिखा दीजिएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो फ्रंट टच OS 11 फैसिलिटी एंड्रॉइड यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाती है, लेकिन स्टोरेज यहाँ पर लेकिन परफॉर्मेंस क्वालिटी थोड़ी सी चेंज है। एक तरफ आपको देखने को मिलता है Y72 5G के अंदर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 480, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की क्वालिटी काफी कम आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ Y73 की, तो यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, गेमिंग के मामले में काफी बेस्ट चीज आपको देखने को मिल जाती है। MediaTek का G95 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है आपको, ये काफी अच्छी चीज है। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों ही फोन के स्टोरेज के लेकर, तो 8GB 128GB बेसिक वेरिएंट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, लेकिन Y72 में आप अपना रैम जो है वो बढ़ा सकते हैं
4 GB एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो, और वहीं Y73 में भी ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है 8 GB प्लस 3 GB का। यहाँ पर आप रैम स्टोरेज जो है वो अपनी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ पर बढ़ा सकते हो, और खास चीज आप यहाँ पर 2 नैनो सिम के साथ 1 माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी मेमोरी को और भी 1 TB तक एक्सटेंड यहाँ पर कर पाएंगे। तो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो काफ़ी प्रीमियम से आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात करें पर फोन के लाइट वेट की तो दोनों ही फोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लुक के साथ आता है, और यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज चेंजिंग देखने को मिल जाती है। Y72 के अंदर यहाँ पर यूज की है 5000 mAh की बैटरी, लेकिन वेट के मामले में इतना ज्यादा आपको हैवी नहीं दिखने वाला है फोन। और बात करें अगर यहाँ पर हम Y73 की तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो स्लिमनेस और वगैरह काफी अच्छी है दोनों ही फोन के। और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक तरफ 33W का मिल रहा है, एक तरफ 18W का मिल रहा है। तो अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन पॉइंट की तरफ, यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट है वो किस हिसाब से निकल कर आता है। जैसे 8 GB 128 GB दोनों ही फोन का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस जो बिल्कुल सिमिलर सी है, लेकिन काफी ज्यादा मेजर पॉइंट अच्छे जो हमारे सामने निकल कर आए वो Y73 के। तो आप सिमिलर प्राइस अगर पे कर रहे हैं, यहाँ पर ये फोन जो है 4G वेरिएंट में है, ये 5G वेरिएंट के साथ है, सिर्फ इसीलिए शायद इसकी प्राइस जो इतनी है। लेकिन इसकी फीचर्स क्वालिटी अगर आप देखें, अगर आप चाहते हैं अच्छा कैमरा प्लस यहाँ पर आप चाहते हैं अच्छी गेमिंग क्वालिटी, तो Y73 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वीवो अपने फोन के साथ काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर एक चीज निकल कर आती है, आप अच्छी चीज अपने फोन में चाहते हैं अगर स्टोरेज वगैरह सारी चीज, तो आपके लिए Y73 इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन आप 5G नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीवो Y72 5G रिकमेंड आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपकी क्या राय है फोन को लेकर कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।